Now we are starting with 15.4, loss of biodiversity. All you know that biodiversity, variety of living things and a variety of creature and the species, different type of animal, plant, bacteria, all these things is called as a biodiversity. Now, loss of biodiversity leads to overall imbalance of the ecosystem. यानी कि हमारे पूरे ecosystem के अंदर क्या होता है, तो एक रोल होता है कि वहां पर एक species दूसरे species को कुछ eating के लिए habit provide करा है. Likewise, if I'm taking an example, जो plant है उसको rabbit वगैरह eat करा है, उनको eat करने वाले दूसरे animal है, उनका death होने के बाद उसको eat करने वाले तीसरे animal है, ऐसे करके ये पूरा का पूरा food chain और food web होता है. In that food chain and a food web, if there is a loss of any species, अगर कोई species imbalance या उनका number high या low हो रहा है, तो इसके वजह से भी biodiversity affect हो सकता है, ecosystem affect हो सकता है. Now, the chief serious aspect of loss of biodiversity is extinction of a species. Now, what's the meaning of extinction? Extinction का meaning ये है कि जो species पहले थे बट आज के डेट में वो स्पीसीज एक भी नहीं बचे. जैसे कि अगर मैंने एग्जांपल लिया कि डायनासोर, तो पहले वो थे लेकिन आज के डेट में अभी एक भी स्पीसी नहीं है. सो दिस इज कॉल्ड एज एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसी, लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी. जो लिविंग बीइंग है या तो मैनमेड या तो नेचुरल डिजास्टर के वजह से या कुछ प्रॉब्लम के वजह से क्या हो जाता है, ये स्पीसीज का लॉस हो जाता है, एक भी नंबर नहीं रहता. दिस इज कॉल्ड एज एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज. नाउ देयर आर थ्री टाइप ऑफ एक्सटिंक्शन, नेचुरल एक्सटिंक्शन, मास एक्सटिंक्शन एंड मैन मेड, दैट इज एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन. नेचुरल के अंदर क्या होगा, नेचर के वजह से. मास एक्सटिंक्शन में एक ही बार में बहुत बड़ा चेंज हो रहा है जिसके वजह से एक्सटिंक्शन हो जाएगा. और थर्ड वाला मैनमेड यानी ह्यूमन एक्टिविटी के वजह से, यानी कि हमने पॉल्यूशन वगैरह किया तो उससे जो होने वाला पार्ट. नाउ डैमेज टू बायोडायवर्सिटी टेक प्लेस ड्यू टू बोथ नेचुरल एंड मैनमेड रीजन. नाउ व्हिच आर दोज रीजन, द फर्स्ट वन रीजन इज नेचुरल रीजन. नेचुरल रीजन में क्या है, इट इंक्लूड्स अ फॉरेस्ट, फायर्स, अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन, जो कि नेचर के वजह से हो रहा है. तो दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी, इसके वजह से जो भी हो रहा है वो नेचुरल. मैनमेड में क्या होगा, सो मैनमेड रीजन आर हैबिटेट डिस्ट्रक्शन. हैबिटेट यानी कि जिस प्लेस पे हम लोग रहते हैं, तो वहां पर समझो कि कोई फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के अंदर कोई ह्यूमन का एक्टिविटी हाई हो रहा है, तो वहां पर हमने प्लांटेशन कट कर दिया, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है. तो यहाँ पर पूरा का पूरा फॉरेस्ट कट कर दिया, तो वहां पर रहने वाले एनिमल्स क्या हो जाएंगे, डेथ. So this is called as a habitat destruction. Hunting, हमने किसी एनिमल का शिकार किया. Settlement, over exploitation, कोई रिसोर्स या प्लांट हम लोग यूज कर रहे हैं लेकिन एक ही बार में ज्यादा. Reclamation, तो ये सब एक्टिविटी मैन मेड में. Now, causes of biodiversity loss, इसके causes क्या, there are four major causes popularly known as the evil of quartilate or evil of correlate. The first one is habitat loss and fragmentation. Habitat loss यानी जिस place पे हम लोग रहते हैं वो हमारा habitat. जैसे कि fish के लिए habitat है aquatic, हमारा habitat है terrestrial. Now उसका ही अगर destruction हो रहा है तो उसके वजह से species का death होगा, तो उसको बोला है habitat. Now it is a prime cause of destruction. Reduction in a vast natural habitat. Local degradation by pollution. यानी कि वहाँ कोई pollution हो रहा है, इसके वजह से भी degradation हो सकता है. Create a crisis situation for a living thing. Loss of local habitat due to human activity. जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पर क्या है, ये forest का area के अंदर human activity high होने के वजह से वो plantation cut हो रहा है, तो इसके वजह से भी हो सकता है. Create a threat to migratory bird. आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर, देखो स्टेशन के एरिया में आपको व्हाइट कलर के बर्ड ये सीजन में आते हुए दिखेंगे.
अब क्या हुआ वहां पर, जो वहां पर फ्लाईओवर वगैरह अभी बना है, जो उन्होंने वो ये फ्लाईओवर बनाया स्टेशन पे, तो अब क्या होगा वहां पर जितने भी बिगर बिगर बर्ड्स थे, वो बिगर बिगर ट्री थे, उनको कट कर, अब कट करने के वजह से क्या होगा, अगर वो इस साल बर्ड स्पीसीज आ भी रहा है, आने के बाद उनको वो प्लांटेशन नहीं मिलेगा, वो एरिया नहीं मिलेगा, तो अल्टीमेटली वो यहाँ से निकल के कहीं और जगह पे चले जाए। सो जो माइग्रेटरी बर्ड है, जो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे प्लेस में, दूसरे कंट्री में जाता है, उनको प्रॉब्लम आ सकता है। दोज एनिमल दैट नीड अ लार्जर टेरिटरी, जिस एनिमल्स को बहुत बड़ा एरिया लगता है, जैसे कि लायन है, टाइगर है, तो इनको प्रॉब्लम आ सकता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर बीइंग लॉस्ट एट एन अलार्मिंग रेट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कवर हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम 14 to 6% ओवर द ईयर। हम लोग अभी भी अगर कंपैरिजन किया तो फॉरेस्ट का एरिया धीरे धीरे कम होते जा रहा है, और वो कितना कम हो गया, 14 to 6% पे आ गया है टोटल। नाउ हैबिटेट लॉस का एक एग्जांपल दिया, दैट इज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। यू कैन सी इन दिस पिक्चर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एलियास, दिस इज अ मेल डॉग। इट इज क्रिटिकली इन डेंजर बर्ड। इन डेंजर यानी कि जिस बर्ड का नंबर लो होते जा रहा है, या तो किसी भी प्लांट का या एनिमल का नंबर लो हो रहे जा रहा है और वो बहुत ही काउंटिंग में रह गया, तो ऐसे स्पीसीज को हम लोग इन डेंजर बोलते हैं। तो ये बर्ड पहले महाराष्ट्र में था, अब यहाँ हुआ क्या देखो, इट इज कंसिडर्ड एज अ फ्लैगशिप ऑफ स्पीसीज ऑफ ग्रास लैंड। जो ग्रास लैंड होता है, जहाँ पर ग्रास होते हैं, ऐसी जगह पे स्पीसीज मिलता है, और नॉर्मली ये ज्यादातर महाराष्ट्र में पहले बहुत मिलता है। We lost this species that is male dog from Maharashtra in 2008. अब वो बर्ड कहाँ चले गए? Now this bird is found in Rajasthan and Gujarat. It is an example of local extinction. यानी कि हमारे यहाँ से तो ये extinct हो गया, एक भी नंबर नहीं बचा, तो ये कहाँ चले गए? Local extinction. यानी कि ये place छोड़ के वो दूसरे जगह चले। Because हमारे यहाँ क्या हुआ? So local extinction due to habitat loss and hunting. तो हमारे यहाँ इस बर्ड का हंटिंग हो रहा था, या तो हैबिटेट जहाँ पर ये रहते हैं ऐसे ग्रास का नंबर कम होते गया, तो इसीलिए ये स्पीसीज अब कहाँ चले गए, तो ये राजस्थान और गुजरात में शिफ्ट। सो दिस वन इज अ एग्जांपल। नाउ द सेकेंड वन एग्जांपल ऑफ कॉजेज ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस, दैट इज ओवर एक्सप्लॉइटेशन। जितना यूज करना है उससे ज्यादा यूज करना। नाउ बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द ह्यूमन बींग एंड अदर एनिमल इज दैट ह्यूमन हैव अ टेंडेंसी टू एक्यूमुलेट beyond their need. This has resulted in a over-exploitation of resource, which in turn causes a threat to various organisms. यहाँ पर क्या हुआ, किसी भी organism का या किसी भी bird का अगर कुछ poaching वगैरह कुछ भी हो रहा है, use भी हो रहा है, तो वो एक थोड़ा सा limitation तक होना। But human की activity, हम लोग थोड़े में तो कुछ नहीं है, तो ultimately हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा use करेंगे, तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन के वजह से कुछ स्पीसीज के नंबर लो हो गए या एक्सटिंक्ट। कैन यू कोरिलेट दिस विद अ डर्ट ऑफ फिश वी ऑब्जर्व नाउडे? नाउ यहाँ पे जो तीन एग्जांपल दिए देखो, द फर्स्ट वन दैट इज डोनो बर्ड, सेकेंड वन सेटलर सी काउ एंड अ पैसेंजर पिजन। ये तीनों भी जो स्पीसीज है आर अ फ्यू एग्जांपल ऑफ एक्सटिंक्शन ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तो इनका यूज इतना हुआ कि आज ये एक्सटिंक्ट हो गए, यानी कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ज्यादा यूज होने के वजह से एक्सटिंक्ट हो। थर्ड वन कॉजेज ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस, दैट इज अलायंस स्पीसीज एंड इनवेजन। व्हेन अ न्यू स्पीसीज गेट इंट्रोड्यूस्ड इनटू एन इकोसिस्टम एक्सीडेंटली और इंटेंशनली, देयर आर अ चांस दैट इट प्रूव हार्मफुल फॉर एग्जिस्टिंग स्पीसीज। Sometimes it can lead to extinction of local species. In a such a case, it is called as the invasive species. इसका meaning क्या हो गया? तो जैसे कि देखो, जैसे हमारे यहाँ कुछ plant species है जो हमारे यहाँ original पहले से नहीं है, तो उसको हमने foreign country में से ला। जैसे कि आपको यहाँ पे सामने देखो, ये तीनों जो plant की species मिल रहे हैं, आपने ये देखा है, ये वाला, ये जो है Eucornia है, जो कि हमको practical में अभी भी है 12th में, लास्ट टाइम था, इस टाइम पता नहीं। फिर ये वाला प्लांट स्पीसीज भी आपने देखा, हम लोग फ्लावरी करके लगाते हैं, और ये ग्रास का एक इकोसिस्टम। ये तीनों भी स्पीसीज हमारे यहाँ के इंडिया के नहीं है, तो ये फॉरेन कंट्री। अब हुआ क्या कि जब हम लोग
फॉरेन कंट्री से या बाहर के कंट्री से कुछ स्पीसीज अच्छा लग रहा है, इसीलिए हम लोग खुद से लेके आते हैं, या तो एक्सीडेंटली भी वो आ जाता है। तो ऐसे टाइम में क्या होता है, जो वहां पे लोकल स्पीसीज है उनको ये न्यू स्पीसीज हार्म करते हैं। ये जो न्यू स्पीसीज है इनका नंबर बढ़ते जाता है, और ये वहां के जो लोकल स्पीसीज है उनको हार्म करते हैं, उनका नंबर लो होते जाता है, और इसके वजह से लोकल स्पीसीज का नंबर इतना लो हो जाएगा कि वो फिर लॉस हो जाएगा। सो ऐसे जो स्पीसीज है जिनके वजह से ऑलरेडी जो इन्वायरमेंट लोकली पहले से था उसको हार्म होगा, तो इसको क्या बोलना है, इनवेसिव स्पीसीज। यानी कि ये तीनों स्पीसीज इस कैटेगरी में आ जाता है। कौन से ये स्पीसीज है, एग्जाम्पल द कैरो ग्रास, ये वाला जो स्पीसीज है ग्रास का। देन सेकेंड वन दैट इज लेंटाना, ये वाला फ्लावर का स्पीसीज है, और ये वाटर के अंदर मिलने वाला वाटर हाइसिन दैट इज इकॉर्निया। तो ये तीनों भी फॉरेन के स्पीसीज है। हमारे यहाँ पर प्लांटेशन करने के बाद क्या हुआ, तो इन्होंने हमारे यहाँ की जो लोकल स्पीसीज है उनको हार्म किया और इनका नंबर हाई हो गया, और वो सब स्पीसीज जो है उनका नंबर लो होके वो एक्सटिंक्ट हो। सो ऐसे स्पीसीज जिनसे न्यू इन्वायरमेंट को हार्म होता है एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के बाद, नया स्पीसीज तो फॉर्म हो जाएगा बट ओल्ड वर्ल्ड वाला जो स्पीसीज है वो निकल जाएगा, ऐसे स्पीसीज को बोलना है इनवेजिव स्पीसीज। तो ये तीनों भी स्पीसीज ऐसे कैटेगरी में आता है जो कि हमारे लोकल एनवायरनमेंट को हार्म। कुछ एनिमल्स की भी एग्जांपल है, इंट्रोडक्शन ऑफ अ प्रीडेटर फिश दैट इज नाइल पर्च इन अ लेक विक्टोरिया, यू कैन सी द फर्स्ट वन पिक्चर, ये वाला इतना बिगर फिश है देखो। इसने क्या किया, जो विक्टोरिया लेक है इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के फिश है, चिचिल फिश करके जिनको नेम दिया है दैट इज चिचिल फिश, और इसके टोटल ये स्पीसीज ने क्या किया, सो दिस स्पीसीज प्रूव डिलीटोरियस फॉर 200 लोकल स्पीसीज ऑफ चिचिल। यानी कि वहां पर उस लेक में जो ऑलरेडी पहले से जो स्पीसीज था उसके नॉर्मली 200 लोकल स्पीसीज को इसने हार्म किया, जिसका नंबर अब लो होते होते वो एक्सटिंक्ट हो गया। इंडिया का एक एग्जांपल दिया, इन इंडिया इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन कैटफिश दैट इज क्लैरिरिस गैरिपिनस, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये वाला फिश। तो इसको वहां से अफ्रीका से यहाँ पे लाने के बाद क्या हुआ, तो इसने हमारे यहाँ की जो लोकल स्पीसीज है उनको हार्म फॉर एक्वा कल्चर पर्पज हैज टू अ हार्मफुल टू एंडेमिक कैटफिश वराइटी। यानी कि हमारे पास ऑलरेडी जो दूसरे कैटफिश की वराइटी थे उसको ये स्पीसीज ने हार्म किया और इसका नंबर बढ़ गया और उनका नंबर कम। वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर सच अ हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एलियन स्पीसीज इज लैक ऑफ लोकल प्रीडेटर। ओके, तो इसके वजह से इनका नंबर हाई हो गया और लोकल स्पीसीज का नंबर लो हो गया। एंड द फोर्थ वन जो कैटेगरी है दैट इज कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी है को एग्जिस्टेंस, को एक्सटिंक्शन। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दैट, मेनी अ टाइम्स ऑर्गेनिज्म आर एसोसिएटेड विद ईच अदर इन ऑब्लिगेटरी वे, इन अ सच केसेस एक्सटिंक्शन ऑफ वन वैरायटी लीड्स टू अ लॉस ऑफ एसोसिएट वैरायटी फ्रॉम इकोसिस्टम। Example, extinction of a host fish causes the extinction of unique parasite. Then, co-evolved plant pollinator also will have such a threat. Will have aware that threat to a diversity and a loss of species from her. When any species is totally eliminated from her, this is called as a extinction. यानी कि किसी स्पीसीज का नंबर लो लो होते होते अगर वो एक भी नंबर नहीं रहेगा तो दिस स्पीसीज इज कॉल्ड एज अ एक्सटिंक्ट स्पीसीज। जैसे कि अगर मैंने एग्जांपल लिया डायनासोर, पहले थे लेकिन आज के डेट में एक भी नहीं है, तो डायनासोर क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, इतना लॉस हुआ कि उनका एक भी नंबर अभी पूरे अर्थ में भी नहीं। नाउ व्हेन द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ स्पीसीज स्टार्ट ड्विलिंग इट इज सेड टू बी इन डेंजर। जैसे जैसे धीरे धीरे किसी स्पीसीज का नंबर कम कम होते हुए एकदम कम हो जाएगा तो ऐसे स्पीसीज को बोलना है इन डेंजर, यानी कि वो डेंजर रेंज में, यानी कि उनका नंबर कम हो गया, और बाद में अगर और भी ध्यान नहीं दिया तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, यानी कि एक भी नहीं बचेगा। इसीलिए हमारे यहाँ पर उसको रोकने के लिए रेड डाटा बुक बनाते हैं। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दैट, सो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स दैट इज IUCN
मेंटेन अ रेड डाटा बुक, जैसे हमारे पास बुक होता है वैसे ये लोग ये एक रेड डाटा बुक को पब्लिश कर, उसमें कौन से स्पीसीज का नेम आएगा, सो इट इज नोन एज रेड लिस्ट वेयर अ कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज इज रिकॉर्डेड, यानी कि जिस प्लांट या एनिमल स्पीसीज का नंबर एकदम लो लो होते जा रहा है, जो एकदम इंडेंजर में आ जाता है, ऐसे स्पीसीज का नंबर ये लोग यहाँ डाल देते हैं, फिर उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस होता है कि वो क्यों लॉस हो रहा है, उसका स्टडी होता है और फिर वो नंबर बढ़ता। नाउ आफ्टर अ गिवन स्पीसीज हैज बीन ट्रूली इवोल्यूएटेड प्लेस इनटू अ वन ऑफ अ सेवरल, तो ये क्या करेंगे उस रेड डाटा बुक में अलग अलग कैटेगरी में इसको स्पीसीज को ऐड कर। पहला वाला कैटेगरी है एक्सटिंक्ट, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया एक्सटिंक्ट का मीनिंग क्या है, जिसके एक भी नंबर नहीं है। अ डिजाइनेशन अप्लाई टू स्पीसीज इन विच लास्ट इंडिविजुअल हैज डाइड एंड नॉट रिकॉर्डेड, जिसका लास्ट इंडिविजुअल का डेथ हो गया और रिकॉर्ड भी नहीं है उस स्पीसीज का क्या था कैसे था, तो ऐसे स्पीसीज को बोला है एक्सटिंक्ट। नाउ सेकेंड कैटेगरी है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ईडब्ल्यू, अ कैटेगरी कंटेनिंग दो स्पीसीज हुज मेंबर सर्वाइव ओनली इन अ कैप्टिविटी, यानी कि बहुत कम नंबर है और वो भी कैप्टिविटी, यानी कि उसको क्या किया है वो लोग ने जो भी है केज में वगैरह रखा है कि उसको हार्म ना हो, उसके नंबर लो ना हो, तो कैप्टिविटी में रख के बहुत ही कम नंबर को ये कर रहे हैं, तो सर्वाइव है, ऐसे को क्या बोला है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। नाउ क्रिटिकली इंडेंजर थर्ड वन, इसका मीनिंग क्या है, अ कैटेगरी कंटेनिंग दो स्पीसीज दैट पजेसेस एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन विथ अ वेरी फ्यू सर्वाइवल मेंबर, यानी कि उसका नंबर 50 तक आ गया है स्पीसीज का और बहुत कम होते होते एकदम कम 50 तक आ गया नंबर और बहुत ही एकदम रिक्स पर है कि वो अब एक्सटिंक्ट होने वाला है, ऐसे स्पीसीज को क्रिटिकली इंडेंजर कैटेगरी में रख। इंडेंजर, नाउ व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इंडेंजर, अ डिजाइनेशन ऑफ अप्लाइड टू स्पीसीज दैट पजेसेस वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ रैपिड पॉपुलेशन डिक्लाइन ऑफ अ 50 टू मोर देन 70% ओवर अ प्रीवियस 10 ईयर, यानी कि टोटल 10 ईयर में जिनका नंबर 70% से भी लो हो गया है और वो डिक्लाइन होते हुए 50 पर आ गया, ऐसे स्पीसीज को कहां पे रखा है इनडेंजर कैटेगरी। फिफ्थ वन कैटेगरी है वल्नरेबल स्पीसीज, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दैट, अ कैटेगरी कंटेनिंग दो स्पीसीज दैट पजेसेस अ वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन एज अ रिजल्ट रैपिड पॉपुलेशन डिक्लाइन ऑफ 30 टू मोर देन 50% ओवर। देखो हमने इनडेंजर वाले में क्या देखा कि लास्ट 10 ईयर में जिसका स्पीसीज का नंबर 50 से लेके 70% तक लॉस हो गया, यहाँ पर ये थोड़ा सा कम है, देखो लॉस यहाँ पर भी वही है एक्सटिंक्ट हो रहा है बट लॉस कितना दिया है 30 से लेके मोर देन 50% तक लास्ट 10 ईयर में जिनका हुआ है उसको वल्नरेबल के कैटेगरी। देन नियर अ थ्रेटन, a designation applied to a species that are close to become a threaten or may meet a criteria for threaten status in the near future, yani ki jisko hum log vulnerable dekhe, to yahan pe hum log kya dekh rahe dheere dheere thode se upar ke number mein ja raha hai, aise hum log isko karte ja rahe. Then least concern, a category containing species that are pervasive and abundant after a careful assessment, data deficient, a condition applied to species in which amount of available data related to its risk of extinction and lacking some way, okay, yani ki jo data mil raha hai uspe se humne study karne ke baad humko aise mil raha hai ki ye jo species hai iska number extinct high risk pe risk hai ki ye extinct ho sakta hai aage jaake, usko data deficient pe rakh. Not evolved, last one, what's the meaning of that, so a category used to include any of the nearly 1.9 million species described by scientists but not assessed by the IUCN. Okay, so ये सब अलग अलग category जो भी है रेड डाटा बुक के, जो कि IUCN उसके रेड डाटा बुक में अलग अलग species को अलग अलग category में वहां पर दे दे। So this is all about today's lecture. Now if anyone have a question, तो यू कैन आस्क, कुछ क्वेश्चन होगा तो पूछ सकते हो। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद
15.4 loss of biodiversity. All you know that biodiversity, variety of living things and a variety of creature and the species, different type of animal, plant, bacteria, all these things call it as a biodiversity. Now, loss of biodiversity leads to overall imbalance of the ecosystem. यानि कि हमारे पूरे ecosystem के अंदर क्या होता है? तो एक रोल होता है कि वहाँ पर एक species दूसरे species को कुछ eating के लिए habit provide कर रहा है. Likewise, if I'm taking an example, जो plant है, उसको rabbit वगैरह eat कर रहा है. उनको eat करने वाले दूसरे animal है. उल्टा death होने के बाद उसको eat करने वाले तीसरे animal है. ऐसे करके ये पूरा का पूरा food chain और food web होता है. In that food chain and a food web, if there is a loss of any species, अगर कोई species imbalance या उनका number high या low हो रहा है, तो इसके वजह से भी biodiversity affect हो सकता है, ecosystem affect हो सकता है. Now, the chief serious aspect of loss of biodiversity is extinction of a species. Now, what's the meaning of extinction? Extinction का meaning ये है कि जो species पहले थे बट आज के डेट में वो स्पीसीज एक भी नहीं बचे. जैसे कि अगर मैंने एग्जांपल लिया कि डायनासोर, तो पहले वो थे लेकिन आज के डेट में अभी एक भी स्पीसी नहीं है. तो दिस इज कॉल्ड एज एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसी, लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी. जो लिविंग बीइंग है या तो मैनमेड या तो नेचुरल डिजास्टर के वजह से या कुछ प्रॉब्लम के वजह से क्या हो जाता है, ये स्पीसीज का लॉस हो जाता है, एक भी नंबर नहीं रहता. दिस इज कॉल्ड एज एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज. नाउ देयर आर थ्री टाइप ऑफ एक्सटिंक्शन, नेचुरल एक्सटिंक्शन, मास एक्सटिंक्शन एंड मैन मेड, दैट इज एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन. नेचुरल के अंदर क्या होगा, नेचर के वजह से. मास एक्सटिंक्शन में एक ही बार में बहुत बड़ा चेंज हो रहा है जिसके वजह से एक्सटिंक्शन हो जाएगा. और थर्ड वाला मैनमेड यानी ह्यूमन एक्टिविटी के वजह, यानी कि हमने पॉल्यूशन वगैरह किया तो उससे जो होने वाला पार्ट. नाउ डैमेज टू बायोडायवर्सिटी टेक प्लेस ड्यू टू बोथ नेचुरल एंड मैनमेड रीजन. नाउ व्हिच आर दोज रीजन? द फर्स्ट वन रीजन इज नेचुरल रीजन. नेचुरल रीजन में क्या है? इट इंक्लूड्स अ फॉरेस्ट, फायर्स, अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन, जो कि नेचर के वजह से हो रहा है. तो दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी, इसके वजह से जो भी हो रहा है वो नेचुरल. मैनमेड में क्या होगा? सो मैनमेड रीजन आर हैबिटेट डिस्ट्रक्शन. हैबिटेट यानी कि जिस प्लेस पे हम लोग रहते हैं, तो वहां पर समझो कि कोई फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के अंदर कोई ह्यूमन का एक्टिविटी हाई हो रहा है, तो वहां पर हमने प्लांटेशन कट कर दिया, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है. तो यहाँ पर पूरा का पूरा फॉरेस्ट कट कर दिया, तो वहां पर रहने वाले एनिमल्स क्या हो जाएंगे, डेथ. So this is called as a habitat destruction. Hunting, हमने किसी एनिमल का शिकार किया. Settlement, over exploitation, कोई रिसोर्स या प्लांट हम लोग यूज कर रहे हैं लेकिन एक ही बार में ज्यादा. Reclamation, तो ये सब एक्टिविटी मैन मेड में. Now, causes of biodiversity loss, इसके causes क्या? There are four major causes popularly known as the Avil of Quaterlate or Avil of Corlate. The first one is habitat loss and fragmentation. Habitat loss यानी जिस place पे हम लोग रहते हैं वो हमारा habitat. जैसे कि fish के लिए habitat है aquatic, हमारा habitat है terrestrial. Now उसका ही अगर destruction हो रहा है तो उसके वजह से species का death होगा, तो उसको बोला है habitat. Now it is the prime cause of destruction. Reduction in a vast natural habitat. Local degradation by pollution. यानी कि वहाँ कोई pollution हो रहा है, इसके वजह से भी degradation हो सकता है. Create a crisis situation for a living thing. Loss of local habitat due to human activity. जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पर क्या है, ये forest का area के अंदर human activity high होने के वजह से वो plantation cut हो रहा है, तो इसके वजह से भी हो सकता है. Create a threat to migratory bird. आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर, देखो स्टेशन के एरिया में आपको व्हाइट कलर के बर्ड ये सीजन में आते हुए दिखेंगे. अब क्या हुआ वहां पर, जब वहां पर
फ्लाईओवर वगैरह अभी बना है, जैसे कि उन्होंने वो फ्लाईओवर बनाया स्टेशन पे, तो अब क्या होगा वहां पर जितने भी बिगर बिगर बर्ड्स थे, वो बिगर बिगर ट्री थे, उनको कट कर, अब कट करने के वजह से क्या होगा, अगर वो इस साल बर्ड स्पीसीज आ भी रहा है, आने के बाद उनको वो प्लांटेशन नहीं मिलेगा, वो एरिया नहीं मिलेगा, तो अल्टीमेटली वो यहाँ से निकल के कहीं और जगह पे चले जाए। सो जो माइग्रेटरी बर्ड है, जो एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे प्लेस में, दूसरे कंट्री में जाता है, उनको प्रॉब्लम आ सकता है। दोज एनिमल दैट नीड अ लार्जर टेरिटरी, जिस एनिमल्स को बहुत बड़ा एरिया लगता है, जैसे कि लायन है, टाइगर है, तो इनको प्रॉब्लम आ सकता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर बीइंग लॉस्ट एट एन अलार्मिंग रेट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कवर हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम 14 to 6% ओवर द ईयर। हम लोग अभी भी अगर कंपैरिजन किया तो फॉरेस्ट का एरिया धीरे धीरे कम होते जा रहा है, और वो कितना कम हो गया, 14 to 6% पे आ गया है टोटल। नाउ हैबिटेट लॉस का एक एग्जाम्पल दिया, दैट इज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। यू कैन सी इन दिस पिक्चर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एलियास, दिस इज अ मेल डॉग। इट इज क्रिटिकली इन डेंजर बर्ड। इन डेंजर यानी कि जिस बर्ड का नंबर लो होते जा रहा है, या तो किसी भी प्लांट का या एनिमल का नंबर लो हो रहे जा रहा है और वो बहुत ही काउंटिंग में रह गया, तो ऐसे स्पीसीज को हम लोग इन डेंजर बोलते हैं। तो ये बर्ड पहले महाराष्ट्र में था, अब यहाँ हुआ क्या देखो, इट इज कंसिडर्ड एज अ फ्लैगशिप ऑफ स्पीसीज ऑफ ग्रास लैंड। जो ग्रास लैंड होता है, जहाँ पर ग्रास होते हैं, ऐसी जगह पे स्पीसीज मिलता है, और नॉर्मली ये ज्यादातर महाराष्ट्र में पहले बहुत मिलता है। We lost this species, that is male dog, from Maharashtra in 2008. अब वो बर्ड कहाँ चले गए? Now this bird is found in Rajasthan and Gujarat. It is an example of local extinction. यानी कि हमारे यहाँ से तो ये extinct हो गया, एक भी नंबर नहीं बचा, तो ये कहाँ चले गए? Local extinction, यानी कि ये place छोड़ के वो दूसरे जगह चले। Because हमारे यहाँ क्या हुआ? So local extinction due to habitat loss and hunting. तो हमारे यहाँ इस बर्ड का हंटिंग हो रहा था, या तो हैबिटेट जहां पर ये रहते हैं, ऐसे ग्रास का नंबर कम होते गया, तो इसीलिए ये स्पीसीज अब कहां चले गए, तो ये राजस्थान और गुजरात में शिफ्ट। सो दिस वन इज अ एग्जांपल। नाउ द सेकंड वन एग्जांपल ऑफ कॉजेज ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस, दैट इज ओवर एक्सप्लॉइटेशन। जितना यूज करना है उससे ज्यादा यूज कर। नाउ बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द ह्यूमन बींग एंड अदर एनिमल इज दैट ह्यूमन हैव अ टेंडेंसी टू एक्यूमुलेट beyond their need. This has resulted in a over exploitation of resource, which in turn causes a threat to various organisms. यहाँ पर क्या हुआ, किसी भी organism का या किसी भी bird का अगर कुछ poaching वगैरह कुछ भी हो रहा है, use भी हो रहा है, तो वो एक थोड़ा सा limitation तक होना। But human की activity, हम लोग थोड़े में तो कुछ नहीं है, तो ultimately हम लोग ज्यादा से ज्यादा use करेंगे, तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन के वजह से कुछ स्पीसीज के नंबर लो हो गए या एक्सटिंक्ट। कैन यू कोरिलेट दिस विद अ डॉट ऑफ फिश वी ऑब्जर्व नाउडे? नाउ यहाँ पे जो तीन एग्जांपल दिए देखो, द फर्स्ट वन दैट इज डोनो बर्ड, सेकेंड वन सेटलर सी काउ एंड अ पैसेंजर पिजन। ये तीनों भी जो स्पीसीज है आर अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ एक्सटिंक्शन ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तो इनका यूज इतना हुआ कि आज ये एक्सटिंक्ट हो गए, यानी कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ज्यादा यूज होने के वजह से एक्सटिंक्ट हो। थर्ड वन कॉजेज ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस, दैट इज अलायंस स्पीसीज एंड इनवेजन। व्हेन अ न्यू स्पीसीज गेट इंट्रोड्यूस्ड इनटू एनी इकोसिस्टम एक्सीडेंटली और इंटेंशनली, देयर आर अ चांस दैट इट प्रूव हार्मफुल फॉर एग्जिस्टिंग स्पीसीज। Sometimes it can lead to extinction of local species. In a such a case, it is called as the invasive species. इसका मीनिंग क्या हो गया? तो जैसे कि देखो, जैसे हमारे यहाँ कुछ प्लांट स्पीसीज है जो हमारे यहाँ ओरिजिनल पहले से नहीं है, तो उसको हमने फॉरेन कंट्री में से ला। जैसे कि आपको यहाँ पे सामने देखो, ये तीनों जो प्लांट की स्पीसीज मिल रहे हैं, आपने ये देखा है, ये वाला, ये जो है इकॉर्निया है, जो कि हमको प्रैक्टिकल में अभी भी है 12th में, लास्ट टाइम था, इस टाइम पता नहीं। फिर ये वाला प्लांट स्पीसीज भी आपने देखा, हम लोग फ्लावरी करके लगाते हैं, और ये ग्रास का एक इकोसिस्टम। ये तीनों भी स्पीसीज हमारे यहाँ के इंडिया के नहीं है, तो ये फॉरेन कंट्री। अब हुआ क्या कि जब हम लोग
फॉरेन कंट्री से या बाहर के कंट्री से कुछ स्पीसीज अच्छा लग रहा है, इसीलिए हम लोग खुद से लेके आते हैं, या तो एक्सीडेंटली भी वो आ जाता है। तो ऐसे टाइम में क्या होता है, जो वहां पे लोकल स्पीसीज है उनको ये न्यू स्पीसीज हार्म करते हैं। ये जो न्यू स्पीसीज है इनका नंबर बढ़ते जाता है, और ये वहां के जो लोकल स्पीसीज है उनको हार्म करते हैं, उनका नंबर लो होते जाता है, और इसके वजह से लोकल स्पीसीज का नंबर इतना लो हो जाएगा कि वो फिर लॉस हो जाएगा। सो ऐसे जो स्पीसीज है जिनके वजह से ऑलरेडी जो इन्वायरमेंट लोकली पहले से था उसको हार्म होगा, तो इसको क्या बोलना है, इनवेसिव स्पीसीज। यानी कि ये तीनों स्पीसीज इस कैटेगरी में आ जाता है। कौन से ये स्पीसीज है, एग्जाम्पल द कैरो ग्रास, ये वाला जो स्पीसीज है ग्रास का। देन सेकेंड वन दैट इज लेंटाना, ये वाला फ्लावर का स्पीसीज है, और ये वाटर के अंदर मिलने वाला वाटर हाइसिन दैट इज इकॉर्निया। तो ये तीनों भी फॉरेन के स्पीसीज है। हमारे यहाँ पर प्लांटेशन करने के बाद क्या हुआ, तो इन्होंने हमारे यहाँ की जो लोकल स्पीसीज है उनको हार्म किया और इनका नंबर हाई हो गया, और वो सब स्पीसीज जो है उनका नंबर लो होके वो एक्सटिंक्ट हो। तो ऐसे स्पीसीज जिनसे न्यू इन्वायरमेंट को हार्म होता है एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के बाद, नया स्पीसीज तो फॉर्म हो जाएगा बट ओल्ड वर्ल्ड वाला जो स्पीसीज है वो निकल जाएगा, ऐसे स्पीसीज को बोलना है इनवेजिव स्पीसीज। तो ये तीनों भी स्पीसीज ऐसे कैटेगरी में आता है जो कि हमारे लोकल इन्वायरमेंट को हार्म। कुछ एनिमल्स की भी एग्जाम्पल है, इंट्रोडक्शन ऑफ अ प्रीडेटर फिश दैट इज नाइल पर्च इन अ लेक विक्टोरिया, यू कैन सी द फर्स्ट वन पिक्चर, ये वाला इतना बिगर फिश है देखो। इसने क्या किया, जो विक्टोरिया लेक है इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के फिश है, चिचिल फिश करके जिनको नेम दिया है दैट इज चिचिल फिश, और इसके टोटल ये स्पीसीज ने क्या किया, सो दिस स्पीसीज प्रूव डिलीटोरियस फॉर 200 लोकल स्पीसीज ऑफ चिचिल। यानी कि वहां पर उस लेक में जो ऑलरेडी पहले से जो स्पीसीज था उसके नॉर्मली 200 लोकल स्पीसीज को इसने हार्म किया, जिसका नंबर अब लो होते होते वो एक्सटिंक्ट हो गया। इंडिया का एक एग्जांपल दिया, इन इंडिया इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन कैटफिश दैट इज क्लैरिरिस गैरिपिनस, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये वाला फिश। तो इसको वहां से अफ्रीका से यहाँ पे लाने के बाद क्या हुआ, तो इसने हमारे यहाँ की जो लोकल स्पीसीज है उनको हार्म फॉर एक्वा कल्चर पर्पज हैज टू अ हार्मफुल टू एंडेमिक कैटफिश वराइटी। यानी कि हमारे पास ऑलरेडी जो दूसरे कैटफिश के वराइटी थे उसको ये स्पीसीज ने हार्म किया और इसका नंबर बढ़ गया और उनका नंबर कम। वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर सच अ हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एलियन स्पीसीज इज लैक ऑफ लोकल प्रीडेटर। ओके, तो इसके वजह से इनका नंबर हाई हो गया और लोकल स्पीसीज का नंबर लो हो गया। एंड द फोर्थ वन जो कैटेगरी है That is causes of biodiversity है coexistence, co-extinction. What's the meaning of that? Many a times organism are associated with each other in obligatory way. In a such a cases, extinction of one variety leads to a loss of associate variety from ecosystem. Example: extinction of a host fish causes the extinction of unique parasite. Then co-evolved plant pollinator also will have such a threat. Will have aware that threat to a diversity and a loss of species from Earth. When any species is totally eliminated from Earth, this is called as an extinct. यानी कि किसी species का number low low होते होते अगर वो एक भी number नहीं रहेगा तो this species is called as an extinct species. जैसे कि अगर मैंने example लिया dinosaur, पहले थे लेकिन आज के डेट में एक भी नहीं है तो डायनासोर क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। इतना लॉस हुआ कि उनका एक भी नंबर अभी पूरे अर्थ में भी नहीं। नाउ व्हेन द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ स्पीसीज स्टार्ट ड्विलिंग इट इज सेड टू बी इन डेंजर। जैसे जैसे धीरे धीरे किसी स्पीसीज का नंबर कम कम होते हुए एकदम कम हो जाएगा तो ऐसे स्पीसीज को बोलना है इन डेंजर, यानी कि वो डेंजर रेंज में, यानी कि उनका नंबर कम हो गया, और बाद में अगर और भी ध्यान नहीं दिया तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, यानी कि एक भी नहीं बचेगा। इसीलिए हमारे यहाँ पर उसको रोकने के लिए रेड डाटा बुक बनाते हैं। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दैट, सो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स दैट इज IUCN
मेंटेन अ रेड डाटा बुक, जैसे हमारे पास बुक होता है वैसे ये लोग ये एक रेड डाटा बुक को पब्लिश कर, उसमें कौन से स्पीसीज का नेम आएगा, सो इट इज नोन एज रेड लिस्ट वेयर अ कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज इज रिकॉर्डेड, यानी कि जिस प्लांट या एनिमल स्पीसीज का नंबर एकदम लो होते जा रहा है, जो एकदम इंडेंजर में आ जाता है, ऐसे स्पीसीज का नंबर ये लोग यहाँ डाल देते हैं, फिर उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस होता है कि वो क्यों लॉस हो रहा है, उसका स्टडी होता है और फिर वो नंबर बढ़ता। नाउ आफ्टर अ गिवन स्पीसीज हैज बीन ट्रूली इवोल्यूएटेड प्लेस इनटू अ वन ऑफ अ सेवरल, तो ये क्या करेंगे उस रेड डाटा बुक में अलग अलग कैटेगरी में इसको स्पीसीज को ऐड कर, पहला वाला कैटेगरी है एक्सटिंक्ट, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया एक्सटिंक्ट का मीनिंग क्या है, जिसके एक भी नंबर नहीं है। A designation applied to species in which last individual has died and not recorded. जिसका last individual का death हो गया और record भी नहीं है उस species का क्या था कैसे था, तो ऐसे species को बोला है extinct. Now, second category है extinct in the wild. What's the meaning of EW? A category containing those species whose members survive only in a captivity. यानी कि बहुत कम नंबर है और वो भी कैप्टिविटी, यानी कि उसको क्या किया है वो लोग ने जो भी है केज में वगैरह रखा है कि उसको हार्म ना हो, उसके नंबर लो ना हो, तो कैप्टिविटी में रख के बहुत ही कम नंबर को ये कर रहे हैं, तो सर्वाइव है, ऐसे को क्या बोला है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। नाउ क्रिटिकली इनडेंजर थर्ड वन, इसका मीनिंग क्या है, अ कैटेगरी कंटेनिंग दो स्पीसीज that possesses an extremely high risk of extinction with a very few survival member. यानि कि उसका number 50 तक आ गया है species का और बहुत कम होते होते एकदम कम 50 तक आ गया number और बहुत ही एकदम risk पर है कि वो अब extinct होने वाला है, ऐसे species को critically endangered category में रख। In danger, now what's the meaning of in danger? A designation of applied to species that possesses very high risk of extinction as a result of rapid population decline of a 50 to more than 70% over a previous 10 years, yani ki total 10 year mein jinka number 70% se bhi low ho gaya hai aur wo decline hote hue 50 par aa gaya, aise species ko kahan pe rakha hai endangered category. Fifth one category hai vulnerable species. What's the meaning of that? A category containing those species that possesses a very high risk of extinction as a result rapid population decline of 30 to more than 50% over. देखो हमने इनडेंजर वाले में क्या देखा कि लास्ट 10 ईयर में जिसका स्पीसीज का नंबर 50 से लेके 70% तक लॉस हो गया, यहाँ पर ये थोड़ा सा कम है, देखो लॉस यहाँ पर भी वही है एक्सटिंक्ट हो रहा है बट लॉस कितना दिया है 30 से लेके मोर देन 50% तक लास्ट 10 ईयर में जिनका हुआ है उसको वल्नरेबल के कैटेगरी। देन नियर अ थ्रेटन, अ डिजाइनेशन अप्लाई टू अ स्पीसीज दैट आर क्लोज टू बिकम अ थ्रेटन और मे मीट अ क्राइटेरिया फॉर थ्रेटन स्टेटस इन द नियर फ्यूचर, यानी कि जिसको हम लोग वल्नरेबल देखे, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं धीरे धीरे थोड़े से ऊपर के नंबर में जा रहा है, ऐसे हम लोग इसको करते जा रहे हैं। Least concern, a category containing species that are pervasive and abundant after a careful assessment. Data deficient, a condition applied to species in which amount of available data related to its risk of extinction and lacking some way. Okay, यानी कि जो data मिल रहा है उसपे से हमने study करने के बाद हमको ऐसे मिल रहा है कि ये जो species है इसका number extinct, high risk के रिस्क है कि ये एक्सटिंक्ट हो सकता है आगे जाके, उसको डाटा डिफिशिएंट में रख। नॉट इवॉल्व, लास्ट वन, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दैट, सो अ कैटेगरी यूज्ड टू इंक्लूड एनी ऑफ द नियरली 1.9 मिलियन स्पीसीज डिस्क्राइब्ड बाय साइंटिस्ट बट नॉट असेस्ड बाय द IUCN। ओके, सो ये सब अलग अलग कैटेगरी जो भी है रेड डाटा बुक के, जो की IUCN उसके रेड डाटा all of you listen here. Today we are starting with 12th biology 15 number chapter. In that 15.5 unit, that is conservation of biodiversity. What's the meaning of a conservation? Conservation means we are giving a protection
to the environment, okay, protection to our living being, our biodiversity, our ecosystem, this is called as a conservation. So conservation of biodiversity means the protection. So we are giving a protection to them, upliftment and scientific management of a biodiversity to maintain it optimum level. यानी कि ज्यादा से ज्यादा लेवल तक हम लोग उसको कैसे रख सकते हैं. To derive the sustainable benefits for the present and the future strategy. Now, why we have to conserve a biodiversity? हमको इसको conserve क्यों करना? Why we have to protect a biodiversity? इसको protection क्यों provide करना? The reason of conservation of biodiversity. Now this will be categorized into a three main category. The first one category for conservation of biodiversity, that is narrowly utilitarian reason. Now which are the reasons for them? Since a time immortal, humans are reaping material benefit from biodiversity. We know that कि हम लोग जो भी हमको plantation है, कोई भी animals मिल रहा, तो उस resource का हम लोग ज्यादा से ज्यादा use कर. जैसे कि यहाँ पर example दिया है, it may be deriving a resource for basic need such as food. अब food हमको कैसे मिलेगा? तो हम लोग जब plants लगाएंगे, तो plants से हम लोग food मिलेगा. फिर वो fruit के form में मिल सकता है, grain के form में मिल सकता है. We get a cloth. कॉटन लगाओगे तो क्लॉथ मिलेगा. शेल्टर के लिए हमको क्या लगेगा? सो वी वांट शेल्टर के लिए हमको, फिर उसके लिए हमको जो भी है, जैसे ब्रिक्स का फॉर्मेशन करना है तो सॉइल लगेगा. देन हमको उसके अंदर जो भी यूटिलाइज हो रहा है, जैसे कि वुड यूटिलाइज हो रहा है, तो हमको ट्री कट करना पड़ेगा. इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट लाइक रेजिन, टैनिन, परफ्यूम्स, वेस्ट एक्सेट्रा फॉर एस्थेटिक यूज एज अ ऑर्नामेंटल एज अ आर्ट पार्ट. सो ये सभी रिसोर्स हमको कहाँ से मिलेंगे? प्लांट से, बायोडाइवर्सिटी से. मेडिसिनल यूज ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज अनदर मेजर फैक्टर. इट शेयर्स 25% ऑफ द ग्लोबल मेडिसिन मार्केट. पूरा का पूरा वर्ल्ड के अंदर जितना जो मार्केट है मेडिसिन का, जो कि किसी न किसी प्लांट से या तो एनिमल से रिलेटेड है, और वो पूरा का पूरा जो 25% मार्केट है, वो भी हमको बायोडाइवर्सिटी से. नाउ अराउंड 25,000 स्पीसीज आर फूड टू यूज बाय ट्राइबल्स. हमारे यहाँ फॉरेस्ट एरिया में जितने भी ट्राइबल्स लोग रहते हैं वर्ल्ड वाइड, तो वो ज्यादातर वो लोग मेडिसिन जो हम लोग नॉर्मली यूज के लिए केमिकल से फॉर्म करते हैं, ऐसे मेडिसिन वो लोग यूज नहीं करते. सो दे आर यूजिंग अ प्लांट मेडिसिन. प्लांट से मिलने वाले जो मेडिसिन है उनको ही यूज. तो अराउंड 25,000 स्पीसीज आर फूड टू यूज बाय ट्राइबल्स वर्ल्ड वाइड एज अ ट्रेडिशनल मेडिसिन. सेवरल आर येट टू बी एक्सप्लोर फॉर देयर पोटेंशियल एज अ मेडिसिनल प्लांट. ओके, इसमें से बहुत सारे अभी तक भी एक्सप्लोर होना बाकी है, जिनका यूज अभी तक लोगों को सबको नहीं पता कि वो मेडिसिनल प्लांट. नाउअडे bioprospecting of a economically important species is a carried out. Bioprospecting is a synthetic research search for a development of a new sources of a chemical compound, that is now and the genes, microorganism, macroorganism and other valuable product. Okay, so yahan pe dekho bahut sare examples hai. जैसे कि यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दिया है, तो वी गेट अ केमिकल्स, जीन्स, अलग अलग बैक्टीरिया या तो कोई भी है, तो वहां से हमको क्रोमोसोम्स या जीन हम लोग फाइंड आउट करें. मैक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि वी आर प्रिपेयरिंग दैट इंसुलिन, किससे प्रिपेयर होगा? तो हम लोग बैक्टेरिया के अंदर इंसुलिन का प्रिपरेशन कर. सो दीज आर कैटेगराइज इन टू, मीन्स we are totally depend on that living species and biodiversity for that. Now the second one, conservation point, this is
broadly utilitarian reason. Which are the reason? If we find out the cost of oxygen cylinder and try to calculate the value of oxygen we breathe with such a easy, we will understand that what nature is giving us for a free. Animal play a crucial role in a pollination and acid dispersal. हमको पता होगा कि मार्केट के अंदर या तो हम लोग जब भी एडमिट होते हैं आईसीयू में तो वहां पर वो पेशेंट को ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के ऑक्सीजन दिया जाता है तो वो ऑक्सीजन का हमको वहां पर पे करना पड़ता है. सो व्हाटएवर टुडे वी गेट ऑक्सीजन, जो आज हमको ऑक्सीजन मिल रहा है तो ऑक्सीजन हमको कहां से मिल रहा है? सो वी गेट दैट ऑक्सीजन फ्रॉम द प्लांट. तो आज भी अगर हम लोग मार्केट से एक ऑक्सीजन सिलेंडर का रेट निकालेंगे और उसको कंपेयर करेंगे कि हमको वो कितना ऑक्सीजन हम लोग यूटिलाइज करें तो वी गेट दैट कि हमारे लिए जो प्लांटेशन है वो कितना इम्पोर्टेंट है, नेचर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है. एनिमल्स का यूज क्या है? एनिमल प्ले एन क्रूशियल रोल इन अ पॉलिनेशन. अगर जैसे हनी बी वगैरह जो है कुछ बर्ड्स है जो पॉलिनेशन करते हैं, अगर वो नहीं होते तो क्या होता? तो पॉलिनेशन नहीं होता तो वहां पर फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता, सीड का डिस्पर्सल नहीं होता, तो एक जगह से जो प्लांट है वो दूसरे जगह नहीं जा पाते. अमेज़न फॉरेस्ट, टुडे वी नो दैट अमेज़न फॉरेस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है बिकॉज वो इंडिया का पूरे वर्ल्ड का टोटल 20% ऑफ द ऑक्सीजन फॉर्म करता है. सो अमेज़न फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस 20% ऑफ द टोटल ऑक्सीजन ऑफ द अर्थ एटमोस्फियर. इसीलिए देखो उसके ऊपर बीच में 2019 में जब वहां पर फॉरेस्ट में फायर्स हुआ था तो बहुत ज्यादा वहां पर उम्मीद था सब, बिकॉज वहां पर इतना ज्यादा प्लांटेशन है कि वो पूरे वर्ल्ड का पूरे अर्थ का 20% ऑक्सीजन वो वहां से प्लांटेशन से फॉर्म हो. नाउ वी नीड टू कंसिडर अ रिक्रिएशनल यूज ऑफ डाइवर्सिटी टू. You must have come across a news about devastating fires in Amazon rainforest. आपको पता होगा अगस्त में 2019 में Amazon जो forest है वहां पर एक बहुत बड़ा fires लगा था, बहुत सारे animal plantation जो भी है वो degrade हो गए. And we know that ये natural नहीं था, इसमें से आधे से ज्यादा जो भी fires होते हैं वो man-made होते हैं. So there are mainly causes in Brazil and are more man-made than natural. Okay, so ये man-made था जिसके वजह से, मतलब human के activity के वजह से जो भी है ये problem आया. Now, the slash and burn policy of a local to reclaim a forest and land has causes a towering 9,06,000 hectares of a forest devastating. इतना बड़ा एरिया फॉरेस्ट का जो भी है कट हो गया या तो बर्न हो गया और फिर वहां पर लोगों ने क्या फॉर्म कर दिए, वहां पर टावर्स वगैरह बिल्डिंग था. ओनली इन द ईयर 2019, यानी कि ये बहुत सोचा समझा था और वहां फायर्स लगा गया जिसके वजह से मैन मेड था और जिसके वजह से ह्यूमन जो भी है उनको फायदा हुआ. क्यों हुआ? तो उन्होंने वो जो भी है ये करके वहां पर टावर्स वगैरह का फॉर्मेशन. वी द ह्यूमंस need to rethink about our attitude towards the nature. So, humko fir se ek bar sochna chahiye nature ke bare mein. Now, the third one issue, that is ethical reason. We have no right to destroy diversity simply because we share all the earth with them. All the living beings have an equal right to survive irrespective of their known and prospective economic use. Jaise हमको जितने राइट्स थे उतने प्लांटेशन या एनिमल्स उनको भी उतना ही राइट्स थे कि उनको रहा. हम लोग ह्यूमंस जो है वो उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और ये बहुत ही. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज हाउ डू वी कंजर्व अ बायोडाइवर्सिटी. हम लोग हमारे पास जो बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट कैसे कर सकते, उसको कंजर्व कैसे कर सकते, तो इसके बहुत सारे यहाँ पे टाइप है. नाउ द कंजर्वेशन मीन्स अ सस्टेनेबल use of natural resource. There are two main type of conservation strategy. First one strategy, this is in situ conservation. Now we yahan par humko do type ke conservation dekhte hain, ek hai in situ conservation, dusra hai ex situ conservation. Now what's the meaning of in situ conservation? Jaise ki IVF, apne full form suna hai IVF,
that is in vitro fertilization. What's the meaning of IVF? IVF के अंदर क्या होगा? तो जो normally fertilization humans के female reproductive tract में होता, जो कि उसका natural place. So वहाँ पे ना होके हम लोग उसको laboratory में करेंगे. So this is called it as a ex situ. Okay? अगर वो process जहाँ हो रहा है, वहाँ पे ना करके हम लोग उसको privately कहीं दूसरे जगह करेंगे. This is called it as a ex situ conservation. So यहाँ पर animals को protection provide करना है. बट अगर केज में प्रोवाइड करोगे तो एक सीट, और वो जहां पर रह रहे हैं वहीं पर अगर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करोगे तो उसको बोलना है इन सीट. सो नाउ वी विल सी दैट इन द डिटेल. हम लोग उसको डिटेल में यहां पे देखते क्या है. नाउ एक इन सीट कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विल ऑटोमेटिकली टेक प्लेस इफ इट्स नेचुरल हैबिटेट इज प्रोटेक्टेड. यानी कि यहां पर देखो एग्जांपल दिया है, announcing Akana forest as a tiger reserve. This is a called in situ conservation. This is most appropriate method of conservation. It is nothing but conservation at a home. यानी कि देखो जैसे ये काना करके एक फॉरेस्ट है, तो वहां पर बहुत सारे टाइगर्स, सो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, जो काना फॉरेस्ट है उसको टाइगर रिजर्व करके अनाउंस कर दिया. अब जब रिजर्व अनाउंस कर दिया तो उनको अल्टीमेटली वो जो टाइगर्स है जहां पे उनका प्लेस है वो पूरा फॉरेस्ट को प्रोटेक्शन मिल जाता है. जैसे कि अगर मैंने एग्जांपल दिया तो हमारे महाराष्ट्र या मुंबई का ही एग्जांपल ले लेता हूँ. मुंबई में जो बोरीवली नेशनल पार्क, तो देखो नेशनल पार्क में कोई भी कैसे भी एंट्री नहीं कर सकता. वहां पर अगर हम लोग जा रहे हैं और वहां पर जो टाइगर्स वगैरह जो भी अंदर है, तो वो टाइगर्स को वो लोग पिंजरे वगैरह में नहीं रखते. तो उन्होंने क्या किया, टाइगर्स वहां ऑलरेडी थे, वहां पर सिर्फ इन्होंने क्या किया, बहुत बड़ा एक बड़ा फेंसिंग कर दिया और वो पूरा एरिया प्रोटेक्शन और रिजर्व कर दिया, नेशनल पार्क कर दिया. तो वहां पर अल्टीमेटली किसी को जल्दी एंट्री नहीं मिलेगा, कोई वहां जल्दी प्लांटेशन कट नहीं कर सकता है गवर्नमेंट से पूछे बिना. सो दिस इज कॉल्ड एज इन सिटू कंजर्वेशन. सो इन सिटू कंजर्वेशन का मीनिंग क्या है, जो एनिमल्स या जो प्लांट जहां है उसको वहीं पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना. दिस इज कॉल्ड एज इन सिटू कंजर्वेशन. ओके, सो जैसे यहाँ पर देखो ये जो फॉरेस्ट था इसको टाइगर रिजर्व करके ये कर दिया, तो वहां पर किसी का एंट्री नहीं होगा, पोचिंग नहीं होगा. सो ऐसे करके दिस इज कॉल्ड एज, यानी कि जो एनिमल वो जो प्लांट जहां है वहीं पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, दिस इज कॉल्ड एज इन सिटू कंजर्वेशन. नाउ Around 34 biodiversity hotspots been identified by conservation. This is a region with a high species richness as well as density. Biodiversity hotspot का meaning क्या है? तो जहाँ पर animal और plantation अलग अलग type के और उनके number बहुत ज्यादा है, ऐसे जगह को find out करना और उसको biodiversity hotspot के हिसाब से फिर उसको sanctuary बोल दो या तो उसको national park करके घोषित कर दो. These area need to be protected strategically by setting a legislative measure apart from the awareness and the conservation point. Now, in situ conservation also include a introduction of variety traditionally used into a farming and horticulture. In a Maharashtra, Pawara tribal in a Satpura have protected a variety of corn with a different color kernel. यानी कि यहाँ पर प्लांटेशन के लिए देखो ये जो पर्सन पावरा ट्राइबल करके है सातपुड़ा में, तो वो लोगों ने खुद से ही वहां पर जो कॉर्न का वैरायटी था, मक्के का जो वैरायटी था, उसमें अलग अलग कलर के जो होते हैं उसको खुद से ही प्रोटेक्ट करके रखा. तो ये भी एक टाइप का इन सिटू कंजर्वेशन हो गया, उन्होंने बाहर से कहीं से लाया नहीं है, तो इन्होंने जहां पे था वहीं पर उसको प्रोटेक्शन. नाउ इंडिया हैज थ्री ऑफ अ वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. The area with high density of biodiversity. This is the Western Ghat, then Indo-Burma, and Eastern Himalaya. Okay, so ये हमारे इंडिया के अंदर तीन अलग अलग वर्ल्ड के अंदर फेमस three biodiversity hotspot. Now, it has been estimated that protection of this diversity reach a hotspot could reduce the extinction rate by almost 30%. यानी कि जो एनिमल एक्सटिंक्ट हो रहे उनका नंबर 30% तक कम हो.
इंडिया एट प्रेजेंट हैज अबाउट 14 बायोस्फीयर रिजर्व, 90 नेशनल पार्क, ऐसे हमारा ये बोरीवर्चना नेशनल पार्क है, वैसे इंडिया में टोटल 90 नेशनल पार्क है, 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है. इन महाराष्ट्र देयर आर 5 नेशनल पार्क, जिसके अंदर बोरीवली नेशनल पार्क भी आ जाता है, और 11 सेंचुरीज आ जाता है. सेंचुरीज भी ऐसे ही है जैसे हम लोग नेशनल पार्क, बट सेंचुरीज को इतना ज्यादा वेटेज नहीं जितना नेशनल पार्क को प्रोटेक्शन मिलता है. ओके, तो सेंचुरीज भी वैसे ही होता. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज इन सिटू कंजर्वेशन में इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशनल ट्रेडिशन आर ऑलवेज कनेक्टेड टू नेचर एंड रिचुअल्स आर लेड डाउन टू प्रोटेक्ट द बायोडावर. हमारे जो कल्चर्स है, हमारे जो ट्रेडिशन है, वो ऐसे है इंडिया के जो कि अल्टीमेटली ज्यादातर बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट भी करते हैं. इसका एक एग्जांपल यहाँ पे, इन मेनी कल्चर स्ट्रेचेस ऑफ फॉरेस्ट वेयर सेट असाइड एंड प्रोटेक्टेड इन नेम ऑफ अलमाइटी विच आर कॉल्ड कैरेड ग्रू. यानी कि वहां पर जो एनिमल्स है या प्लांटेशन है उनको उन लोगों ने ही वहां पर प्रोटेक्शन दिया है एज अ गॉड के रिचुअल से, या तो किसी भी कारण के वजह से उन्होंने उसको प्रोटेक्शन दिया है लोकल पीपल. नाउ सच एज कैरेट ग्रू आर फाउंड इन खासी एंड जैतिया हिल्स इन मेघालय, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ महाराष्ट्र एंड कर्नाटक, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान एंड बस्तर, एंड चंदा एंड सरगुजा एरिया ऑफ मध्य प्रदेश. कैरेट ग्रू आल्सो द ओनली चांस ऑफ सर्वाइवल फॉर सम इनडेंजर वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट. ट्राइबल डू नॉट अलाउ टू कट इवन अ सिंगल ब्रांच ऑफ ट्री फ्रॉम कैरेट ग्रू. यानी कि जो एरिया होता है वहां के ही ट्राइबल लोग उसको प्रोटेक्शन देते हैं, और वहां पे इवन एक ट्री का कोई ब्रांच भी कट करने को नहीं मिलेगा, इतना ज्यादा प्रोटेक्शन वो लोकल पीपल ही देते. बट विद द इंक्रीजिंग लस्ट एंड ग्रीड द कैरेट ग्रू आर सेफ. तो आज के डेट में वो ज्यादा सेफ नहीं है, पहले था, अभी भी है कई जगह पे, बट अभी धीरे धीरे कम होते जाते. Now, जैसे हमने इन सिटू कंजर्वेशन लिया, वैसे ही नेक्स्ट पार्ट है एक्स सिटू कंजर्वेशन. एक्स यानी एग्जिट. तो यहाँ पे हमको क्या करना है, तो यहाँ पे हमको एनिमल्स या प्लांटेशन को उनके नेचुरल हैबिटेट जहां वो रहते हैं वहां से निकाल के हमको उनको कैप्टिविटी यानी कि केज के अंदर रख के उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, उनको फूड प्रोवाइड करना है, उनका नंबर्स को इंक्रीज करना. So this is called as an ex-situ conservation. Now, sometime when a species is critically endangered, yani ki wo dheere 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 unka number kuch karan vaste, kuch problem ke vajah se number low ho raha, in danger mein ja raha. So special measure have to be taken to protect them. So aise species ke number ko increase karne ke liye kuch special measures lene padte. Aur isi ke andar aata hai ex-situ conservation. So it might be protected. तो हम लोग उसको क्या करेंगे, तो हम लोग उसको फेंसिंग वगैरह लगा के अच्छे से कैप्टिविटी में रखेंगे एज अ वन ऑफ अ मेजर ऑफ प्रोटेक्शन, जिसमें उसको प्रोटेक्शन मिलेगा, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ एक सिटू कंजर्वेशन. नाउ इन दिस टाइप ऑफ कंजर्वेशन लिविंग बीइंग आर प्रोटेक्टेड अवे फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट इन अ स्पेशल सेटिंग. तो उनका नेचुरल हैबिटेट पे तो हम नहीं रख सकते, बट जहां पर भी हम लोग रखेंगे वहां आर्टिफिशियली उनके लिए हम लोग वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे. नाउ वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क एग्जांपल आर वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क है, जूलॉजिकल पार्क है, एंड बोटानिकल गार्डन आर अ सर्व फॉर दिस पर्पस. और मुंबई के अंदर आपको पता होगा दैट इज वीर माता जीजा माता भोसले जो उद्यान है, सो जिसको हम लोग रानी ची पार्क भी बोलते हैं मुंबई में. तो ये एक एरिया यानी क्या है, एक सिटू कंजर्वेशन. ओके, अभी तो वहाँ प्लांटेशन और एनिमल्स बहुत कम है. मैं बहुत ओल्ड था तभी मैं गया था, और वहाँ तभी उस टाइम बहुत सारे वैरायटी लेक के वगैरह वगैरह जो भी है गेंडे वगैरह जो है बहुत सारे वैरायटी उन्होंने वहाँ रखे. ओके, तो रानी चिबाग मुंबई यानी यहाँ पर क्या है, तो वो उनका नेचुरल हैबिटेट नहीं है. वहाँ पे उन्होंने क्या किया, जिस स्पीसीज का नंबर लो हो रहा है ऐसे स्पीसीज को उनके नेचुरल हैबिटेट से निकाला और यहाँ पर कैप्टिविटी में लाके यानी केज के अंदर उनको फूड वगैरह वैक्सीनेशन वगैरह प्रोवाइड किया, जिसके वजह से अल्टीमेटली उनका नंबर हाई. सो दिस इज कॉल्ड एज अ एक्स सिटू कंजर्वेशन.
नाउ इसके कुछ एग्जांपल दिए, जैसे मैंने आपको मुंबई का एग्जांपल दिया जीजा माता उद्यान, वैसे और भी कुछ एग्जांपल है और दूसरे भी कुछ एग्जांपल इसमें आ जाते हैं, उसको छोड़े। एनिमल विच हैव डिक्रीज इन नंबर आर अलाउड टू ब्रीड इन अ कैप्टिविटी इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम। एग्जाम्पल अ क्रोकोडाइल बैंक ऑफ चेन्नई, चेन्नई के अंदर ये जो क्रोकोडाइल बैंक है इसके अंदर क्रोकोडाइल को ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्शन। सीड बैंक आर established to conserve a wide variety of food grain and vegetables. Nowadays, a modern technique like tissue culture. So, हम लोग seeds वगैरह जो plantation कम हो रहा है उसके seed को भी preserve कर सकते हैं। या तो अभी modern day में जो हो रहा है, nowadays modern technique like a tissue culture, जिसके अंदर हम लोग कुछ plants के छोटे से part को save करके रख सकते हैं बहुत time। Then in vitro fertilization यानी IVF, जिसमें एक को प्रिजर्व करते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन यानी कि माइनस डिग्री सेंटीग्रेड में, माइनस 196 डिग्री सेंटीग्रेड में हम लोग गैमेट्स को प्रिजर्व करके रखते हैं ऑफ अ इनडेंजर स्पीसीज नॉट अ ह्यूमन। ओके, तो यहाँ पर हमने ह्यूमन के नहीं, तो जो इनडेंजर स्पीसीज है जिनका नंबर एकदम कम हो गया तो उनके गैमेट्स वगैरह को सेव करके रखा। बाय नाउ वी हैव द understood the immense importance of biodiversity and need to protect. इसीलिए इसको need है कि हम लोग इसको protection provide करना। Now हमारे book में एक do you know करके एक छोटा सा topic दूसरे scientist का भी दिया है, जिन्होंने plantation, जहाँ पर plantation नहीं है ऐसे area पे कुछ अलग method use किया है, जिसको अभी हमारे जो मुंबई वगैरह area ऐसे जगह पर भी use किया जाए। So यहाँ पे क्या दिया देखो, डॉक्टर अकीरा मियावाकी स्टडीड अ नेटिव फॉरेस्ट ऑफ जापान स्पेशली द ओल्ड श्राइन ग्रू एंड डेवलप अ टेक्निक ऑफ ग्रोइंग अ डेंस प्लांटेशन इन अ शॉर्ट टाइम। कम से कम टाइम में डेंस फॉरेस्ट या डेंस जो भी है प्लांटेशन फॉर्म करना, ये इनका है। नाउ इन्होंने ये टेक्निक में क्या किया, इट इज अ टेक्निक फॉर रिस्टोरेशन ऑफ अ नेचुरल वेजिटेशन ऑन डिग्रेडेड, यानी कि जिस लैंड के ऊपर जिस जमीन के ऊपर प्लांटेशन नहीं है ऐसे जगह पे हमको प्लांटेशन फॉर्म। नाउ इन दिस टेक्निक आफ्टर अ सॉइल टेस्टिंग द लैंड मास इज डग आउट। ओके, पहले क्या करना है, जो भी एरिया हमको जहाँ पर ये प्लांटेशन करना है जहाँ नहीं है वहां से हमको पहले उसका सॉइल टेस्टिंग करना, फिर हमको उसका जो भी है डग आउट करना है, वहां खनना है और फिर उसको बाहर निकालना है मट्टी को, उस मट्टी के अंदर उस सॉइल के अंदर, सो दैट soil is mixed with the local biomass and humus. जो भी हमको humus वगैरह मिलता है, humus you know that degradation होने के बाद plants और animals के जो भी ये होते हैं, उसका जो red color का black color का जो पड़ा हुआ था ऊपर वाले layer में, this is called as a humus. उसको वो soil में mix करना। Plantation is done in a layer and sampling are planted close to each other. You can see that in the picture. हमको क्या करना है, यहाँ पर एकदम नजदीक नजदीक प्लांट को प्लांटेशन कर। अब इसका फायदा क्या, सो प्लांटेशन इज डन इन अ लेयर एंड सैंपलिंग आर प्लांटेड क्लोज टू ईच अदर, ड्यू टू दिस सनलाइट डजंट रीच अ सॉइल रिटेनिंग द मॉइस्चर। तो इससे क्या होगा, जो सनलाइट है वो सॉइल तक नहीं जाएगा, अगर सॉइल तक नहीं जाएगा तो सॉइल के अंदर जो वाटर है वो वेपर होके बाहर नहीं जाएगा, तो इसके वजह से जो सॉइल है उसमें कम पानी में वो ज्यादा टाइम तक जो भी प्लांटेशन किया उसको प्लांट प्रोवाइड। तो हमको इतना नजदीक लेके ये करना है प्लांटेशन कि वो जो भी लाइट है वो सॉइल तक नहीं जाना चाहिए, जिसके वजह से सॉइल का वाटर जो भी ऐसे रहेगा। नाउ क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ प्लांट लीड्स टू अ फास्टर वर्टिकल ग्रोथ देन लैटर। अब ऐसे में क्या होगा, तो वो प्लांट जो हमने लगाया है तो सभी प्लांट को लाइट चाहिए तो वो ऊपर की तरफ ग्रोथ उनका ज्यादा होगा, तो इसके वजह से प्लांट्स के अंदर वर्टिकल ग्रोथ ज्यादा होगा और लैटरल ग्रोथ कम, एंड इट आल्सो प्रमोट नेचुरल सिलेक्शन, और इसके वजह से नेचुरल सिलेक्शन होगा। नेटिव वैरायटी आर प्लांटेड, और इसमें भी कोई फॉरेन वैरायटी नहीं, बाहर का वैरायटी नहीं, तो वहां के जो लोकल वैरायटी है उसको ही प्लांट करना। द फॉरेस्ट डेवलप एट ऑलमोस्ट अ 10 टाइम फास्टर देन नेचुरल, इट रिक्वायर्स अ केयरिंग पीरियड ऑफ 3 ईयर After which it grows and develop into a own diversity natural. और ज्यादा से ज्यादा हमको 3 साल तक इसका केयरिंग करना पड़ेगा और फिर ये ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट एरिया में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट। अब इंडिया में भी ये टेक्निक यूज हो रहा है, सो इन इंडिया दिस टेक्निक इज अडॉप्टेड टू
several places, including a remote district like Chandrapur, as well as metro cities like Mumbai, Bangalore. There is a debate about the feasibility of the dam. लेकिन फिर भी इस टेक्निक पे थोड़ा सा feasibility के लिए थोड़ा सा debates अभी भी चल रहा है. It is certainly helping in a retaining and recharging the groundwater table. तो ये groundwater को रिचार्ज करने के लिए help कर रहा है या नहीं कर रहा है? Supporting a local biodiversity. क्या ये local biodiversity को support करता है या नहीं करता? That. Curbing the air pollution by adding a green cover. तो ये सब पॉइंट पे अभी भी इसके ऊपर बहुत सारे डिबेट्स होने वाले. So this is all about that 15-point part, conservation of biodiversity.